सो इस वीडियो में हम देखेंगे फोटो डायोड। अब फोटो डायोड है बस, अब क्या है, लास्ट के हिस्से हैं, एप्लीकेशंस ही हैं। फोटो डायोड बेसिकली क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है जैसे उसके टॉप पे फोटॉन्स गिरे। अब टॉप पे फोटॉन्स गिरने का मतलब क्या है, अब ये है मेरा पी जंक्शन, ये है मेरा एन जंक्शन। यहाँ पर एक अगर ट्रांसपेरेंट प्लेट लगा दूं मैं, अगर एक ट्रांसपेरेंट प्लेट लगा देता हूं तो क्या होगा, जब मैं ट्रांसपेरेंट प्लेट लगा दूंगा सो वहां पर फोटॉन्स गिरेंगे। फोटॉन्स क्या है, लाइट एनर्जी है। फोटॉन्स बेसिकली एक लाइट की एनर्जी है और कुछ नहीं है। सो जब ये मेरे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पे गिरेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर फोटॉन्स गिरे। फोटॉन्स गिरे यानी कि पी टाइप और एन टाइप में बेसिकली एकदम बेस लेवल से सोचो तो है क्या, इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं, ठीक है। जब इन्हें एनर्जी मिलेगी ऊपर से क्या होगा, बस घूमेंगे फिरेंगे यानी कि रिकॉम्बिनेशंस ये जो होंगी क्या प्रोड्यूस करेंगी, करंट प्रोड्यूस करेंगी। बस करंट प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, दैट्स इट। इस लेवल पे एटलीस्ट जो है एग्जाम लेवल आपका 12th स्टैंडर्ड का, इतना ही नॉलेज काफी है। बस इसे ऑपरेट करते हैं हम रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इसका यूज क्या है फोटो डायोड का, इसका यूज है सिर्फ चेक करना कि लाइट आ रही है या नहीं, कहां पर, सर्किट्स में, समझ में आ रहा है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जैसे हुए उसमें इसका यूज है कि इसे चेक करना है कि लाइट आ रही है। अगर लाइट आ रही है तो हल्का सा करंट फ्लो होगा। अगर हमें इसे यूज करना है कि भारी करंट फ्लो हो तो इसे फॉरवर्ड बायस में लगा देंगे एंड अगेन सेम काम हम करेंगे। सेम काम मतलब करंट फ्लो का काम। अगर करंट फ्लो करवाना है तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करो, अगर नहीं तो रिवर्स बायस। सो बस इस तरीके से ऊपर एक विंडो लगा दी है, ट्रांसपेरेंट विंडो, जैसे ही सनलाइट गिरी बस दैट्स इट, सब काम खुद ही शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक अगेन बैरियर पोटेंशियल होगा। ये वाला बैरियर पोटेंशियल तो अलग है, जैसे कि फोटॉन्स, हर फोटोन रिकॉम्बिनेशन नहीं करेगा, थोड़ी तो कुछ एनर्जी होगी जिससे ये सब प्रोसेस शुरू हो, दैट्स इट। उसे उस एनर्जी को कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी या थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स। तो इस तरीके से फोटो डायोड में कुछ और है ही नहीं। एग्जाम में क्या लिखें, पीएन जंक्शन की वर्किंग ही, के एन से थोड़े पी में जाएंगे, पी से एन में जाएंगे, रिवर्स बायस होगा, करंट इतना फ्लो नहीं होगा, ना बराबर करंट फ्लो होगा, दैट्स इट। कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से फोटो डायोड भी हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सोलार सेल से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।